आप पूरे दिन को बहुत ही हार्ड वर्किंग है तो सारो वीडियो देखोगे मुंह सूख लो करेंगा फिर काटो लेंगे तो आज मेरे फर्स्ट लोग बने आप नो आंगन देखने वाला सारे भाई बहना ने घना घना राम राम सब तो सुबह सुबह की है चींटिया ने भी भोजन खिलाए जाए है और खिलाने के बाद मैं आ जाए नंदी घर पर और नंदिन भी सुबह सुबह जितो भी रसोई को पानी नाज हुआ वो भी डाले जाए रोटी गुड़ भी दिए जाए और छाछ है जो भी है कई बार क्यों है कि अनाज को पानी नालियां में रोड पर लोग शुरू कर दें तो क्यों क्या है लोगों का भी समस्या रहे आपकी समस्या हल करके दूसरों का समस्या डाल दें तो क्यों ना आपके घर को रसोई को किचन को जो भी पानी हुआ है वो यहाँ का पशुआन दे दे तो बेचारा को बांके भी पेट भर जाए और आंकी भी सुरक्षा हो जाए। कई बार कई लोग के हैं कि जहाँ गाय ने या कुत्ता ने रोटी देने खातर रोटी ले जाएं और रोड के ऊपर एक एक रोटी या एक एक टुकड़ों फैलाता रहे बहुत सारे कुत्ता की टांग टूट गई बहुत सारे कुत्ता रोड के ऊपर आके मर जाए एक्सीडेंट को भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट तो यह है कि जो भी रोटी देनी है घर का आ गए दो रोटी डाल के आपको कुत्तों गाय ने हाथों दो। सुबह की चाय पानी बनाने के लिए किचन में पहुँच गई और एक्स्ट्रा दूध ओवन अलग गर्म करने के लिए रख दियो और स्लो गैस रख के दूध के ऊपर चिमटो या चम्मच रख दो दूध उफने को नहीं दूध गर्म पीने के लिए करके उथल पुथल करके एक छोटी सी कटोरी के अंदर कान्हा जी को लड्डू गोपाल को दूध पियाना के लिए आप पीणो पहले भगवान ठाकुर जी के भोग लगा दे जिसके बाद में स्वयं ग्रहण कर लियो है और पार्क के अंदर लेडीज को टोटल लोग औरतें हैं जिसकी आपकी जिम को कर रही हैं गद्दा भी बैठे मिल जाए और बैठे वापस रखे जाए हैं तो एक पार्क के अंदर एक जगह लेडीज़ लेडीज़ों को है एक बच्चा बच्चा को है जेंट्स भी लेडीज़ के जिम के जगह में प्रवेश करने को नहीं और एक्सरसाइज या जिम करने के लिए चाकी को सौ बड़ो जगह है पेट की हाथों की सब एक्सरसाइज हो जाए हैं और घर के अंदर जितनी भी झाड़ू पोछो वापा जी लेडीज़ लगावें वह आपके स्वास्थ्य को भी ध्यान रह जाए। कई बार यहाँ की परिस्थिति आ जाए भी टाइम काम वाली बाई बुलानी पड़े और लगानी भी पड़े बाकी का टाइम आप खुद घरा बारी पोचो करांगा तो घर भी साफ सुथरों मिलेगो और स्वास्थ्य भी एकदम स्वस्थ मिलेगो। कई बार जिम करने के लिए लेडीज बहना हैं जिकी जिम के अंदर जाएं जिम में जाने के बाद में जिम को जो 5,000 को खर्चो भी वो भी लेंगा और दूसरों दोनों हाथों में लेडीजा का कपड़ों दे के और पोचो लगाने के एक्सरसाइज चालू करवाएं तो क्यों ना आप दोनों हाथों में पोचो ले के अपने घर करा ताकि पीसा की भी बचत स्वास्थ्य को भी बचत और घर की घर के अंदर आपकी सेटअप तैयार कर सका और जिम जाने की ज़रूरत को नहीं। लेडीज़ ने बहुत सारा काम है दिन भर काम करना पड़े तो एक्सरसाइज सब बड़ी एक्सरसाइज है। सुबह सुबह के है थोड़ी सी आंधी अंदर आई आज को मौसम है जो बरसात को हो रहा है पर आंधी धूल ले के आई चौकी के ऊपर मिट्टी मिट्टी कर दिया तो थोड़ी सी बोरिंग को पानी चला के पूरी चौकी ने फुहारा हूँ एकदम साफ करने काम है और आंधी अंदर के अनुसार सारा गर्मी के कारण पेड़ पौधा भी निराश हो रहे हैं जी मौसम ऊपर खुश हुआ तो मनुष्य जीव जंतु पेड़ पौधा सब एकदम बिल्कुल खुश हो जाए। थोड़ा सा पेड़ पौधा के ऊपर जहाँ फुहारो लगा देंगे तो आंकी भी धूल मिट्टी निकल गई आ जाए और वाइपरों पानी सूख जाए ताकि फिसलां को नहीं और बरसात आनी शुरू होगी थोड़ा सा सिर्फ मग में डाल के स्कूटी ने धोने के लिए ले आई हूँ और ऊपर इंद्रदेव अमृत रस बरसा दी हूँ स्कूटी साफ होएगी आज दो साफ करके और पानी को जो बरसात को थोड़ा नालों दिखाऊँ कोई ज़्यादा बरसात भारी बरसात में कोई 5 या 2 आंगल बरसात हुई है तारानगर के मायने से कम ही कम बरसात हुई है तो वो बरसात को है ऊपर जाके सीन दिखाए हुए पशु पक्षी और पेड़ पौधा को जो खुश मिजाज है स्टोर कर रखे हैं प्याज स्टोर करने को जहाँ तरीकों भी था दिग्गो की तरीकों प्याज ने फैलाए गए हैं और आने वाले टाइम में आपको भाव आसमान पर छू रहे हैं। फिलहाल भी प्याज को भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहे एक काकड़ियो लेके आई हूँ खेत को काली मिर्च और नमक डाल के बहुत ही टेस्टी बना के और सुबह सुबह राजस्थानी फ्रूट है जिसको खाने के लिए भी आ गया हाँ और काकड़ियो एक बहुत ही शुद्ध और स्वस्थ फ्रूट है। तेल गर्म करने के बाद में जीरो डाल दियो बारीक काटेड़ो लहसुन डाल दियो है हींग डाल दी सूंफ जीरो
और धनियों काली मिर्च दरदरा कूट के भी एक अंदर डाल के चम्मच मसाला के अंदर इन्हें पका लियो, तेल के अंदर मसालों हल्दी मिर्च धनियों और स्वाद के अनुसार नमक डाल के भी तेल के अंदर इन थोड़ा सा पका लिया। इसके अंदर पानी कौन पड़े, बारीक कटी जी की हरी मिर्च है, आप हरी मिर्च को कूटो कई तरीकों बना सका हाँ, तो हरी मिर्च भी एक अंदर साफ करी एक अंदर डाल दी। डालने के बाद में सब्जी बनके तैयार होगी और खाना खाने के बाद में रेस्ट करके 3 बजे खेत के लिए रवाना हो गया। खेत में जाने के बाद में खेत भी जाने को आनंद भी लियो और जो ट्रैक्टर भाई छोटो सो भाई कर रहे हैं तो ही कम लगा रहे हो भी खपल में सोच के आ देख रहे हैं कितनी गहरी तोई लगा सके हैं। तो वह इन जगह कम कम 7-8 आंगल ज़मीन के अंदर जाना चाहिए ताकि बीज भी गहरो नीचे चलो जा और कई बार क्यों है थोड़ा थोड़ा तोई लगावें। साथ मिलकर डूंगर जी के घर पहुंच गए और करी आता है आज शाम को टाइम है जो आज सारी बना के बीच के मायने बहुत हंसी मजाक के साग बहुत बढ़िया टाइम टिप्यो और वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट कर रही है कि मारो वीडियो डालो अगर मैं इस टाइम ही आवा तो सारी आज बना की बात सुनो बना दे वीडियो मुंह सूख लो करूंगा फिर काटो लेंगे अब वापिस घर आने के लिए रवाना हो गया शाम को। आज पूरे दिन की दिनचर्या है जी की मैं थाने सारी डिटेल है जी की वीडियो के माध्यम में बता दी। आज कोई भी रेसिपी बनाने के लिए टाइम कौन मिलो खेत भी जाने के लिए खेत में चले गए लो अब थारा कर लिया सारा राम राम फिर मिला दूसरे।